देश में ठीक एक साल पहले यानी 2023 के अंत में हुए राजस्थान चुनावों में भजनलाल को प्रदेश का सीएम बनाकर बीजेपी आलाकमान ने सबके होश उड़ा दिए थे। लंबे समय से सियासी गलियारों में उस मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही, वहीं अब एक बार फिर जयपुर में रामकथा कर रहे रामभद्राचार्य ने उस मामले को ताजा करके उसमें बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल रामकथा सुनने पहुंचे सीएम भजनलाल के सामने रामभद्राचार्य ने दावा किया कि उनके कहने पर ही राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी के आलाकमान को ये इशारा दिया था कि राजस्थान में इस बार ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने कहा कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए विचार हो रहा था तो मैंने उन्हें संकेत दिया था कि इस बार ब्राह्मण को मौका दिया जाए। लोगों ने कहा कि वसुंधरा नाराज होंगी, तब मैंने कहा कि उनके ही मुख से कहलवा दिया जाए। इसके साथ ही रामभद्राचार्य का ये बयान सुनकर मंच पर बैठे सीएम भजनलाल मुस्कुराने लगे। वहीं उनके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हाथ जोड़ लिए। इसके साथ ही रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि राजस्थान में पहली बार कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। राजस्थान वीर भूमि है, इसका विकास होना चाहिए। सभी लोगों को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहिए ताकि भारत विकसित हो जाए। इसी के साथ रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि मेरी दक्षिणा ये है कि गलता पीठ गद्दी श्री राम नंदियों की है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया है। अब मुख्यमंत्री को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एक बिल ला देना चाहिए ताकि गलता जी का ट्रस्ट सार्वजनिक हो सके। इसका अध्यक्ष रामानंद संपदा का निर्विवाद जगत गुरु हो, सभी संत इसमें हो और इसमें हमारी गद्दी हमें दे दी जाए। जब चर्चा चल रही थी इस बार राजस्थान की इस बात को कौन संभाले, तो मैंने प्रस्ताव लाकर एक बिल ला देना चाहिए कि ट्रस्ट हो दलतागा का, इसका अध्यक्ष रामायण संपदा का निर्विवाद जगत गुरु हो, सभी संत रामायण के पुस्तक से शिक्षण कर। इसके अलावा सीएम भजनलाल ने भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर क्या कुछ कहा और रामभद्राचार्य की मांग पर क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। और इस बात को भी आप सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में उसमें कितना बड़ा योगदान है, ये आप सभी को पता है। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारी राजस्थान की जनता पर बना रहे। निश्चित रूप से जो गुरु जी ने कहा है, क्योंकि गुरु जो कहते हैं उनमें इतना होता है कि वो बात पूरी होती है, इसलिए गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए और आप सब श्रोताएं आप सबको भी नमन करते हुए मंच पर हमारे संत बैठे उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं और हमारे सभी आयोजक उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम गुरु जी का रखा है। मेरी कई दिन से आने की इच्छा हो रही थी, लेकिन लगातार जो भी चुनाव थे, चुनाव में व्यस्तता थी, तो मैंने जब पूछा कि रामकथा कब तक है, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से होकर के आऊंगा, मैं गुरु जी के चरणों में पुनः। वह बता दें कि राजस्थान में साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। इसके बाद काफी दिनों तक अटकलों के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए सीएम के रूप में शपथ ली। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।